Hello 9th standard. Today in this video we will start with our supplementary reader in English, Moments. I hope you people have got books of 9th standard by this time, and please open your book with first lesson, The Lost Child. I'll be doing with word to word so that you can understand and you can write certain meanings in your book itself with pencil. So please take out your book and let us see what happened in this story. Actually, this is a beautiful story. By picture only you can come to know about that parents have one child in holding his hand, and the title of this lesson is The Lost Child. तो कुछ ऐसा ही कुछ हुआ होगा lesson में कि एक फेयर में गए, लेकिन वहाँ पे क्राउड इतना ज़्यादा था कि बच्चा खो गया. लेकिन बच्चा किस तरह से पहले अपने पेरेंट्स के साथ एंजॉय करता और पेरेंट्स के खो जाने के बाद किस तरह से बच्चा उनके लिए तड़प रहा है, दैट व्हाट इज़ द थिंग टू सी इन दिस लेसन. लेट्स बिगिन. अ चाइल्ड गोज़ टू अ फेयर विद हिज पेरेंट्स. ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड wants the sweets and toys displayed there, but his parents don't buy them for him. Why then does he refuse when someone else offer them to him? See, यही question का answer हमें इस lesson में ढूँढना है. Usually होता है ना कि small children, when parents take small children to some fair, तो दे हैव लॉट्स ऑफ डिमांड बिकॉज विच एवर स्टॉल, विच एवर शॉप दे सी, दे हैव सर्टेन डिमांड टू बी फुलफिल. मॉम आई वॉन्ट दिस, डैड आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट बलून्स, आई वॉन्ट टॉयज, आई वॉन्ट क्लोथ्स, आई वॉन्ट वी कैन टेल सो मैनी थिंग्स एंड देन ईटेबल्स. आई वॉन्ट दिस टू ईट, आई वॉन्ट दैट टू ईट, सो मैनी थिंग्स विच एवर प्रेजेंट इन fair, that small children really become very attractive to that. So here also this thing happen, that child go on demanding so many things from parents, but parents don't make him to buy anything. But what happen when someone else offered that child those everything which he was demanding from his parents? But at that time, child was refusing to take all those things from that stranger. Okay, so that is only the story is about. Let's begin. It was the festival of spring. From the wintry shade of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. That is फेस्टिवल, स्प्रिंग सीजन का फेस्टिवल है, जिसमें मतलब अच्छा ठंडा मौसम है और छोटे से रास्ते से लाइक एक गांव में अगर फेयर चल रहा है और गांव के जैसे छोटे छोटे कच्चे रास्ते होते हैं चारों, तो हर दूसरी हर तरफ फील्ड ही फील्ड देखने को मिलते हैं अलग अलग क्रॉप्स से, तो वैसे ही छोटे से रास्ते से, एलाइज दैट इज़ नैरो पैसेज, छोटे छोटे रास्ते से एकदम एन्जॉय करते हुए, गेली क्लैड दैट इज़ विद जॉय, एकदम खुशी खुशी लोग चल रहे थे फेयर में जाने के लिए. सम वॉक्ड, सम रोड ऑन हॉर्सेस, अदर सेट बींग कैरीड इन बैम्बू एंड बुलॉक कार्ट्स. One little boy ran between his father's leg, brimming over with life and laughter. That is, वो छोटे छोटे रास्तों से कई लोग चल रहे थे, कई लोग horses पर ride कर रहे थे, कई लोग बैठे थे sides of that road, and कई लोग bamboos को लेकर bullock cart पर जा रहे थे. उसी crowd में एक family भी थी, that is mother, father and one their son. तो वो son, that is little boy, वो बहुत excited था fair में जाने के लिए. He was very happy and he was living life full of joy. Brimming, that is happy. So happily he was just so excited that he was running here and मतलब running either ahead than his parents or back than his parents, or
अच्छा एंजॉय कर रहा था इवन रास्ते को भी कि आफ्टर ऑल वी आर गोइंग टू फेयर. कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स एज ही लेग्ड बिहाइंड फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइंड द वे. ओके नाउ ही इज जस्ट मूविंग इन दिस पाथ एंड ऑन द साइड देयर आर शॉप्स विच ही स्टार्ट सीइंग. एंड पहले ही शॉप टॉयज की आती है तो वो टॉयज को देखकर ही वहाँ पर बहुत अट्रैक्ट हो जाता है. एंड जब वो टॉयज की शॉप को देखकर अट्रैक्ट हो जाता है तो वहीं पर रुक जाता है बिकॉज ही स्टार्ट्स डिमांडिंग टू टेक टॉयज. बट फादर मदर वो लोग सब उसको आगे बढ़ने को बोलते हैं. ही हरिड टूवर्ड हिज पेरेंट्स हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल His eyes still lingering on the receding toys. See, होता है ना छोटे बच्चे जब फेयर पे जाते हैं उनको कोई चीज़ लेनी हो लेकिन वो पेरेंट्स का हाथ पकड़े हुए आगे बढ़ते हैं तो दे गो अहेड बट दे जस्ट टर्न बैक एंड अनटिल दैट थिंग बिकम इनविजिबल इन फ्रॉम फ्रंट ऑफ देयर आइज दे गो ऑन सीइंग दैट थिंग. राइट वो उस चीज़ को देखते ही रहते हैं. सो दैट इज़ वॉट हेयर ऑल्सो इट हैपन्स के बॉय वॉज वेरी ओबीडियंट टू पेरेंट्स एज दे कॉल्ड ही रैन टूवर्ड्स दैम बट हिज आइज वर स्टिल लुकिंग एट दैट टॉयज. एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट इवन दो He well knew the old cold stare of refusal in their eyes. तो वो उस टॉयज को देखे ही जा रहा था लेकिन फिर जैसे वो अपने पेरेंट्स के पास गया उसे रहा नहीं जा रहा था डिमांड करने के लिए कि मुझे वो टॉय चाहिए. हालांकि उसको ये भी पता था ही वॉज नोइंग दिस ऑल्सो कि आई एम गोइंग टू गेट अ गुड रिफ्यूजल फ्रॉम माई पेरेंट्स कि मुझे ना ही मिलने वाली है. माई पेरेंट्स आर नॉट गोइंग टू परचेज दोज टॉयज बट देन टू ही ट्राइड एट लीस्ट आई वॉन्ट दैट टॉय ही प्लेडेड रिक्वेस्टेड. हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज फैमिलियर टायरेंट वे क्रूअल वेज. फादर ज़्यादातर गुस्से में देखने लगते हैं कि अभी फेयर में आए नहीं और डिमांड्स चालू हो गई. सो दिस इज़ वॉट फादर लुक्ड एट हिम. हिज मदर melted by the free spirit of the day was tender and giving him her finger to hold said look child what is before you. Now father looked an angry look and then mother tried to convince him and mother tried to relax that boy by saying ke come ahead holding his hand and saying come ahead and see what is before you. आगे देखो क्या है. ओके मतलब वो जिस रास्ते से जा रहे थे उस रास्ते में शॉप्स तो थी लेकिन आगे फिर रास्ते के दोनों तरफ फील्ड्स भी थे खेत भी थे. ओके इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड. ओके क्या था आगे. मॉम किस चीज़ पर पॉइंट कर रही थी. मॉम फील्ड पर खेतों पर पॉइंट कर रही थी. कौन से खेत. मस्टर्ड दैट इज़ वी कैन टेल ना सरसों के फूल. ओके सरसों होती है और वी कैन टेल राई. ओके लाइक राई वी कैन टेल फॉर एग्जांपल यू पीपल आर ईटिंग खमन ऑन दैट खमन विच दैट ब्लैकिश राउंड एंड राउंड पार्टिकल्स आर स्प्रेडेड दैट इज़ राई. और राई एक फील्ड में होती है येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं उसके. सो दैट काइंड ऑफ फील्ड्स दे सॉ अहेड ऑन देयर वे एंड अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी फॉर और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर. नाउ अगर वन इमेजिन कीजिए जस्ट इमेजिन इफ फील्ड इज बिग फील्ड ऑफ फ्लावर्स तो ऑब्वियसली देयर माइट बी सो मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीज टू सक वी कैन टेल टू सक स्वीटनेस फ्रॉम दैट फ्लावर. राइट सो जैसे ही वो लड़के ने फील्ड की तरफ देखा उसको ना सिर्फ वो फ्लावर्स की बर्ड्स दिखाई दी
बल्कि उसको कई तरह की बटरफ्लाईज एंड विंग्स एंड कई तरह की बीज दिखाई दी जो वो सब फ्लावर्स में से स्वीटनेस लेने की कोशिश कर रहे थे. द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज. लाइक स्मॉल चिल्ड्रन ऑलवेज बिकम अट्रैक्टिव टू कलरफुल बटरफ्लाईज एंड दे रन बिहाइंड those butterflies to catch those butterflies, right? So boy also, according to the way he looks, जैसे जैसे वो देख रहा था वैसे वैसे वो आगे उन butterflies को पकड़ने के लिए भाग रहा था. Till one of them would still its wings and rest and he would try to catch it, but it would go fluttering, flapping up into the air when he had almost caught it in his hand. तो वट हैपन, ही वेंट टूवर्ड्स द फील्ड साइड. फील्ड साइड जाकर वो बटरफ्लाई पकड़ने की कोशिश करता है तो इट हैपन्स ना कि बटरफ्लाई इज सिटिंग ऑन फ्लावर एंड सडनली इफ वी गो टू कैच एंड इमीडिएटली इट फ्लाइज. सो हमारे हाथ में कुछ नहीं आता. सो दैट थिंग वॉज हैपनिंग विद दैट बॉय एंड ही वॉज ऑल्सो एन्जॉइंग दिस. देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल, कम चाइल्ड कम, कम ऑन टू द फुटपाथ. So he went in the field in to catch those butterflies and all. So his mother again called him. He ordered him. Cautionary call मतलब he ordered him के come towards the footpath. रास्ते में आओ, खेतों में मत जाओ. He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being, however, soon left behind, attracted by little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places of to enjoy the sunshine. See, now again the same thing happens के उसकी मॉम ने उसको बुलाया, that is उसकी मॉम ने उसको रास्ते पर चलने के लिए बुलाया. तो he started moving towards his parents and as he started moving towards his parents he forgotten the thing that he was behind the butterflies and he was catching the butterfly. वो जैसे जैसे चीज़ें पीछे छूटती जाती हैं वो बच्चा भी वैसे वैसे भूल कर आगे देखती चीज़ों को इंट्रैक्ट होना चाहता है. ओके, ही गो ऑन लुकिंग एट अहेड वाला थिंग्स. देन कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ द ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ द वॉल. ही रैन टूवर्ड्स देम. तो उसके पेरेंट्स अब रास्ते में काफ़ी लंबा टाइम चले और फिर फाइनली बैठ जाते हैं. तो बैठते हैं ग्रुप्स ऑफ ट्री. ग्रोव मतलब ग्रुप्स ऑफ ट्री, ट्रीज. तो एक ट्रीज का ग्रुप होता है जिसके अंडर वो बैठे होते हैं. सो दे कॉल दैट बॉय कम एंड कम टूवर्ड्स अस एंड दे वर जस्ट सिटिंग देयर टू रिलैक्स फॉर सम टाइम. अ शॉवर ऑफ यंग फ्लावर फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर द ग्रोव एंड फॉरगॉटन हिज पेरेंट्स. He began to gather the raining petals in his hands, but lo, he heard a cooing of dove. Raining petals dropped from his forgotten hands. See, पहले वो toys देख रहा था, बाद में वो field में 20 butterflies को पकड़ने जाने लगा, and after that वो जब अपने parents के पास आने लगा तो वो उसने note किया कि जब वो trees के grove के अंदर enter करता है, that is ट्रीज़ के ग्रुप में अंदर आता है, तो ही फील दैट लाइक शॉवर ऑफ फ्लावर्स आर ऑन हिम. सो ही फॉरगॉट अबाउट हिज पेरेंट्स. ही अगेन स्टार्टेड कलेक्टिंग फ्लावर्स इन हिज हैंड्स फ्रॉम ट्रीज. ओके, एंड आफ्टर दैट ही सडनली सॉ अ डव. सो वो डव को देखने लगता है तो वो फ्लावर इकट्ठे करना भूल जाता है. कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर अराउंड द बनियन ट्रीज एंड गैदरिंग हिम अप. दे लुक द नैरो वाइटिंग फुटपाथ, विंडिंग फुटपाथ विच लेड टू थ्रू द फेयर द मस्टर्ड फील्ड्स. तो वो पेरेंट्स अब बैठे थे थोड़ा आराम करने के लिए. आफ्टर दैट दे स्टार्टेड मूविंग अहेड. नाउ एज दे मूव अहेड दे कॉल्ड देयर सन अगेन. And son was busy running round and round towards the banyan tree. That is वहाँ पर जो भी trees थे उनके round and round ले रहा था, उनको काफ़ी enjoy कर रहा था.
एंड ऐसे ही इंजॉय करते करते मस्टर्ड फील्ड्स से होते हुए द पीपल मूव्ड टूवर्ड्स द फेयर, वो लोग फेयर में एंटर हो गए. नाउ जैसे ही वो फेयर में एंटर होने जाते हैं, एज दे नियर द विलेज द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स converging to the whirlpool of the fair and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. छोटे बच्चे को इतना नहीं पता था कि ये इतना सारा क्राउड क्यों है, कैसे है. throngs that is crowd, converging that is meeting at a point and whirlpool moving of people in circle. okay, repelled मतलब दूर, बिना किसी टेंशन के, हर एक टेंशन से दूर होकर और लोगों की ये इतना सारा क्राउड और इतनी सारी शॉप्स देखकर ही बिकेम वेरी अट्रैक्टिव. सो फाइनली इन दिस पैराग्राफ वी कैन सी के आफ्टर क्रॉसिंग मस्टर्ड फील्ड, आफ्टर क्रॉसिंग ग्रुप ऑफ ट्रीज एंड ऑल, फाइनली पेरेंट्स एंड दैट सन रीच्ड टू द विलेज वेयर दे वर गोइंग टू एंटर इन टू द फेयर. अब फेयर में क्या होता है और कैसे होता है, किस तरह से बच्चा, किस मोमेंट पे बच्चा खो जाता है, दैट ऑल थिंग वी विल वर्क इन अवर नेक्स्ट वीडियो. बाय दैट टाइम प्लीज़ सी दैट यू डू रीडिंग ऑफ दिस वन एंड दिस वन इज़ द सेकेंड पेज एंड फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ थर्ड पेज. प्लीज़ गो थ्रू दिस. स्टिल नथिंग टू राइट फ्रॉम दिस लेसन. राइटिंग ऑफ दिस लेसन आई विल इन्फॉर्म यू इन my next video after I complete this lesson. Okay everyone, take care and study well.